जुताई का जो खर्चा है पहले 2,500-3,000 रुपए में होता था, अब वो 5,000-6,000 रुपए एक एकड़ का खेती का खर्चा हो गए आए, पर ये हमारे फसल के दाम नहीं बढ़े है। आपके पंजाब और हरियाणा सरकार इसको 500 रुपए मुनाफा अधिक से देती है एमएसपी पे, पर हमारे महाराष्ट्र में वैसा भी कुछ नहीं है। और ये सरकार जो केंद्र सरकार ने जो किसान का कानून लाया है, इसकी वजह जो हमारी गवर्नमेंट की मंडियां खत्म हो जाएगी, जो हमारा जो किसान है, हमारे किसान बाद में रस्ते पर आ जाएगा, हमारी जमीन अदानी अंबानी के जेब में चली जाएगी। मैं यहाँ से ये मन से पूरे हिंदुस्तान को आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी आप अपने हक के लिए रस्ते पर आ जाओ, नहीं तो ये सरकार अपने बाल बच्चों के साथ आपको रोड पर लाने के छोड़ेगी। मेरे भाइयों, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये एक क्रांति है, ये किसान की क्रांति है। ये क्रांति में जो किसान शामिल हुए उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये हिंदुस्तान के पूरे किसान को यहाँ से आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग अपने बोरा बिस्तर लेके ये आंदोलन में शामिल हो जाए। हमारे महाराष्ट्र के मंत्री प्रहार संगठन के सर्वे सर्वा बच्चू भाऊ कड़ू ये आंदोलन में आने वाले है थोड़ी देर में। हम महाराष्ट्र से 2,000 मोटरसाइकिल की रैली लेकर ये आंदोलन में शामिल होने आए। भाइयों, आपका दुख जो आपको बताना चाहते हैं, हम महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादित करते हैं, कपास उत्पादित करते हैं, सोयाबीन उत्पादित करते हैं। ये जो फसल है हमारी, गन्ने का एमएसपी 2,500-3,000 रुपए है, पर हमारे किसानों को कारखानदार देते हैं 1,800-2,000 रुपए। कानून ये जो कारखानदारों को अभय देती है, पर किसानों की मांगे पूरी नहीं कर सकती। हम ये जो केंद्र सरकार कर रही है कि आप अपना हक कलेक्टर से मांग लिया, हम तलाटी से हमारा हक ले नहीं सकते, कलेक्टर के पास कब जाएंगे, हमारा खेती का काम कौन करेगा, हमारे बैल खेत खलिहानों में कौन काम करेगा, हमें इतनी देर नहीं। मोदी जी, आपको जो करना है तो आप रंगराजन समिति की सिफारिशें लागू करके कानून लाओ, स्वामीनाथन आयोग से हिसाब से कानून लाओ। अभी से हम आपको यहाँ से बताना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मोदी जी, आपको लगता होगा कि ये किसान क्या करेंगे, किसान रास्ते पर धरने पे बैठेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं आप सब आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, दमदम में दम नहीं, खैर करो जान की, पर्दा उठाकर देखो, सेना खड़ी है किसान की, सेना खड़ी है किसान की। आप सभी को यहाँ से खाली एक नारा लगाऊंगा, हम भगत सिंह के साथी है, हम भगत सिंह के साथी है, लाला लाजपत राय के बेटे हैं, हम हार मानने वाले नहीं है। इनकलाब, इनकलाब, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, छत्रपति शिवाजी महाराज की, हरा हरा। सो धन्यवाद बुलारे दा, महाराष्ट्र तो है आज जिहड़ा पिछे नारा लाए, अब समझ भी नहीं आया क्योंकि मैं महाराष्ट्र दे विच गया। नहीं, मैं एक सेकंड जी, एक सेकंड, उत्थे नारा खेती मालाला राहत दबाओ, वो समझ नहीं आता, लेकिन जिवें जो आप कीमत की मांग करते हैं खेती की उपज की, वो है नारा उ। सो हुण मैं खेमा चाहूंगा, मेरे वीर, मैं नौ बोलता सी उन्हां दा, सुकरात कालड़ा जी दा, उन्हां तो मैं खेमा चाहूं भी थोड़ा जिहा तेरे वेट करना पैना है, क्योंकि किसान आगुआं ने अगे मीटिंग करनी है, उन्हां नूं मैं पहला टाइम देना है। एक मैं सूचना देनी है जरूरी, सुखा दादोवाल, ध्यान नाल सुनो, सुखा दादोवाल वो कहिंदे लभ नहीं रिहा, उहदे साथी उहनूं ਅੜੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 1100 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਸਮਾਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਉਹ ਵੀ 1000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਏ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੰਮਸ ਅਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਥੰਮਸ ਅਪ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ 9 ਰੁਪਈਏ ਬੋਤਲ ਦੀ ਤੇ 250 ਐਮ ਐਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ 300 ਐਮ ਐਲ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ
साडे लोगों ने की सोचा भी आ चीज ठीक है नाले सस्ती है नाले ज्यादा है। जो दो साल दे बच्चे ओ थम्स अप दा बिल्कुल बेड़ा गर्क करता कंपनी बिकण दे कगार ते लैण दी उस कंपनी ने ओ कंपनी खरीदी ते फिर ओदा दोवां दा रेट 13 रुपये बोतल होया होया या नहीं होया बोलो ईमानदारी नाल। यही कुछ इत्थे होणा है साडी प्राइवेट मंडी दे अंदर जिहड़ी साडी सरकारी मंडी चलदी है प्राइवेट प्लेयर ने आके किसान नूं साल डेढ़ साल वास्ते रेट वध देना है उस रेट दे लालच दे विच आके किसान ने फसल बेचनी है। मैं दस देना चाहुंदा सरकार नूं जिहड़ी कहिंदी है किसान क्यों अड़े होए ने जदों वध रेट दे लालच नूं किसान इन्हां दे ट्रैप दे विच फसिया इन्हां दे जाल च फसिया उस वेले सरकारी मंडियां दे विच जाके माल विकना बंद होएगा। सरकार कहेगी कि अज एफसीआई दी कोई लोड़ नहीं कोई दाणा नहीं खरीद रही एफसीआई। सरकार कहेगी कि इस मंडी सिस्टम दी कोई लोड़ नहीं कोई दाणा नहीं विक रहा इस मंडी सिस्टम दे राही और दो साल दे बाद वो मंडी सिस्टम सरकार तोड़ देगी तो जो तोड़ेगी उदो साडी हालत फिर बिहार वाली होगी। असी बेनती करते हैं साडी सरकार नूं तुसी साडे ते कानून थोपण की बजाय बिहार के किसानों पहला सक्षम कर लो उन्हां दी आमदन बढ़ा लो अगर उन्हां दी आमदन वधी सानू नजर आ गई असी मंग कर लांगे कि सानू भी दे दिओ। असी कहिंदे ना दिओ सानू तुसी जबरदस्ती दे रहे हो सानू तां मेरी बेनती है सानू इस करके इतराज है असी इह चाहुंदे हां कि कानून रद्द होने चाहीदे है। प्राइवेट प्लेयर प्राइवेट मंडी की लोड़ की है अगर प्राइवेट कंपनी ने माल खरीदना है उस मंडी दे विच क्यों नहीं जाके खरीदी जो मंडी है देश के अंदर सूबे के अंदर मंडी का सिस्टम है क्यों उस मंडी च जाके दाने नहीं खरीदी प्राइवेट कंपनी बद रेट देके खरीदे ना सरकारी रेट नालों। सो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों बाकी बहुत होर सारिया गल्लां करन वालियां ने इन्हां कानूनां दे संबंध च फिर गल करांगे क्योंकि जो असं इन्हां नूं गल्लां कर दिंदे आ ना नुक्ते बोल दिंदे आ फिर उधर नूं तुर पैंदे ने लो जी इहदी भी सोध कर दिंदे आ लो जी इहदी भी सोध कर दिंदे आ। सो साडी मंग है वापस लो। तो मेरे दोस्तों मैं एक बेनती करा गल समाप्त करन लगा बोलना नहीं होर ज्यादा कानूनों के नुकते ते मैं मेरी अर्ज है कि अंदोलन बहुत उच्चा लै गए हो अंदोलन देशों विदेशों के विच चलिया गया है अज पंजाब का अंदोलन नहीं रहा इतों हमने जो साड़ी स्टेज के उत्ते सहायता की गल आई सी गल आ रही सी ब्राह्मण सभा वालों भी सेवा भेजी गई है इहदा मतलब यह अंदोलन केवल सिखां दा नहीं रहा यह अंदोलन अज हर उस कम्यूनिटी का है जिहदे अंदर किसानी प्रति दर्द है हर उस व्यक्ति का है जिहड़ा रोटी खानी चाहुंदा है ओह इहदे विच शामिल है क्योंकि जिहड़ा असीं लड़ाई जिहड़ी लड़ रहे हैं असीं इहनां कानूनां नूं रद्द करन दी लड़ रहे हैं। और मैं बेनती करदा बहुत सारे लोगों नूं शायद भुलेखा होवे कल मैनूं एक गल कही भी गई प्रधान जी आप जरूर बोलिया करो देखो साड़ी लड़ाई है कानून रद्द कराने की और इन्हां जो असीं कानूनों की गल करते हैं ना उन्हां कानूनों के विच ही तीसरा कानून है। कल पत्रकार मैथों पुछते सी कि जेकर यह कानून रद्द नहीं होंदे तो आम खपतकार नूं अनाज की रेट मिलेगा ये कहिंदे आ। हुण मैं दस दिया थोड़ी जी गल इहदे ते जेकर ठीक है साडे किसान ने नहीं गिनतियां मिनतियां गिणिया लेकिन व्यापारी प्यारो गिनती मिनती गिणदा है व्यापारी पैसा पैसा नोट करदा है तो जो एग्रीकल्चर व्यापारी ने की वो नोट करेगा असी कहने कि अज लगभग 2900 रुपए में एक क्विंटल कणक पैदा होंगी है असी मानते हाँ सारिया जथेबंदियां मानदियां ठीक है सरकार मनन ना मन गल वक्री है तो जो ये उत्ते बाकी खर्चे पाए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पाए जो ये उत्ते सुपरविजन चार्ज पाए ये ते पैकिंग चार्ज पाए ये उत्ते लोडिंग चार्ज पाए ये ते अनलोडिंग चार्ज पाए ये उत्ते स्टोरिंग चार्ज पाए जो सारे चार्ज होर पाए तो इस कणक का एक क्विंटल का लागत खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्हां कंपनियां ने 4500 रुपया शो करनी है कि 4500 नूं पैंदी है सानू
ते कानून की कहिंदा है, कानून कहिंदा है 70 तो लेके 100% ए लोग रेट वध चार्ज कर सकते ने। ते जदों 100% रेट वध चार्ज किया 4500 नूं आपदा उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो की, अंदाजा ला लो कि 9000 रुपए नूं क्विंटल कणक लैके खानी पैनी उन्हां लोकां नूं, ओ आम खपतकारां नूं जिहड़े अज हजे शायद, पर मैं समझदा हजे घरे नहीं कोई बैठा, वड्डी गिणती च लोग साडा सहयोग दे रहे ने। की होया जे अजे धरने दे विच नहीं पहुंचे जिहड़े इत्थों बाहर तो बैठे, मैं प्रेस ते बहुत वारी ये गल कही है, एक दिन मैं लंघिया जावां पिछे नूं जा रहा सी आपदे साथियों वल नूं, साडियां दिल्ली तो बीबियां आईयां बड़े बड़े दोहां दे हत्थ दे विच तिन्नां दे बैग फड़े, ਜੋ ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਸਕੁਟ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਿਓ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀਅ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਖਿੱਚੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ ਔਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।